नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। जी हाँ, आज हो चुका है 20 अगस्त। हम आपको बताने वाले हैं 20 अगस्त की मुख्य खबरें। आपको बता दें कि 20 अगस्त आज रात को 12 बजे मोदी सरकार काफी बड़े ऐलान करने वाली है। भारत के लिए 6 नियम लागू होने वाले हैं। इन नियमों के बारे में आप लोगों के लिए जानना काफी जरूरी है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि पब्लिक टुडे न्यूज गिवे के अंदर आप छोटे से 2 सवाल का जवाब देके आप जीत सकते हैं 10,000 रुपए का इनाम। आज का सबसे बड़ा सवाल, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सेकंड सवाल, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल, तमिलनाडु, असम और कर्नाटक। ये 2 सवाल है। सबसे पहला सवाल, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? सवाल नंबर 2, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इनका सही जवाब देंगे आप जीत सकते हैं 10,000 रुपए का गिवे का इनाम पब्लिक टुडे न्यूज की तरफ से। चलिए नजर डालते हैं कि मोदी सरकार ने आज कौन से 6 नियम लागू किए हैं जिससे पूरे देश की नजर टिकी हुई है। मोदी सरकार के 6 नियम आज रात से लागू होने वाले हैं। सबसे बड़ा नियम, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आपका बैंक अकाउंट पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो भी राशि है वो मोदी सरकार के अंदर जमा हो जाएगी। आप अपना बैंक अकाउंट जो है रीएक्टिवेट करने का आपको 20 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर 20 दिन के अंदर भी आप अपना बैंक अकाउंट पैन कार्ड लिंक करवा के एक्टिवेट नहीं करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप अपनी राशि भी अपने बैंक अकाउंट से नहीं निकलवा सकते हैं। सेकंड सबसे बड़ा नियम आपको बता दें कि अगर आपके घर गैस डिलीवरी करने वाला, अगर आपके घर आके आपका गैस सिलेंडर आपके गैस सिलेंडर पे फिट नहीं करता, अगर आपके चूल्हे पे फिट नहीं करता गैस सिलेंडर, यानी गैस सिलेंडर का नियम है कि अगर गैस डिलीवरी करने वाला बॉय आपका गैस सिलेंडर आपके चूल्हे तक फिट नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। उसको तुरंत नौकरी से निलंबित किया जाएगा और 3 साल की सजा भी हो सकती है। तो गैस सिलेंडर डिलीवरी बॉय करने वाले हो जाए सावधान, आपको नियमों के साथ ही आपका गैस जो सिलेंडर डिलीवर करना होगा। तो अगली सबसे बड़ी खबर, पेट्रोल पे मोदी सरकार का टैक्स घटने जा रहा है। आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम आज देश के अंदर 71 रुपए और डीजल के दाम 65 रुपए नोट किए गए। बहुत ही जल्द मोदी सरकार पेट्रोल के टैक्स के दाम आज घटा सकती है और टैक्स घटने से पेट्रोल के दाम काफी नीचे आ सकते हैं। देश का अगला सबसे बड़ा नियम आपको बता दें कि चीट फंड कंपनी, घोटाले करने वाले कंपनी और स्कैम काफी बढ़ गए इंडिया के अंदर। इन कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने नया कानून बनाया है कि चीट फंड कंपनी घोटाला करने वालों पे जो है फास्ट ट्रैक से कोर्ट की कार्रवाई होगी और चीट फंड घोटाला करने वाले अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर का, अगर अपने कंपनी से जुड़े लोगों का पैसा वापस नहीं करती है 1 महीने के अंदर तो उसको पूरी उम्र कैद जेल में काटनी पड़ सकती है। चीट फंड कंपनी वालों को बड़ी राहत। चलिए नजर डालते हैं देश की अगले सबसे बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ, आपको बता देगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं कटेगी नौकरियां, खुलेंगे नए रास्ते। महेंद्रनाथ पांडे का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई भी नौकरियां नहीं कटेंगी, नए रास्ते खुलेंगे। ये महेंद्रनाथ पांडे का कहना है। जी हाँ, अगली सबसे बड़ी खबर, कश्मीरी नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए बोले गुलाम नबी आजाद, कहा सरकार के फैसले से राज्य में कोई नहीं खुश है। जो है मुस्लिम नेता गुलाम नबी आजाद का मानना है कि सरकार के 370 हटाए जाने के फैसले से जम्मू कश्मीर के अंदर, राज्य के अंदर कोई भी खुश नहीं है और उन्होंने कश्मीरी नेताओं की रिहाई की मांग की है। जी हाँ, दिल्ली के अंदर एक बार फिर से बाढ़ का संकट, खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है जल स्तर। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। सीएम अरविंद केजरीवाल के हाईलाइट दिल्ली के लोगों के लिए। जी हाँ, अगली सबसे बड़ी खबर, छोटे कर्जदारों को बड़ी राहत देगी मोदी सरकार, लोन करेगी माफ। आज रात के 12 बजे से यह नियम लागू होने जा रहा है। मोदी सरकार छोटे कर्जदारों का जो है लोन माफ करने जा रही है। जी हाँ, रेडमी का नया फोन रेडमी नोट 8 प्रो आज लॉन्च हो चुका है। इसका टीजर जारी कर दिया है। बहुत ही ज्यादा भारतीय मार्केट के अंदर सेल के अंदर फ्लिपकार्ट पे मिलने वाला है रेडमी नोट आई स्मार्टफोन, आज हो चुका है लॉन्च। आपको बता दें कि जेटली की हालत बिल्कुल नाजुक, जेटली का हाल जानने अडवाणी पहुंचे एम्स हॉस्पिटल। आपको बता दें कि अरुण जेटली की हाल जानने को अडवाणी एम्स हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। जी हाँ, अगली सबसे बड़ी खबर, चंद्रयान 2 भारत की सबसे बड़ी कामयाबी, मंगलवार को चंद्रमा की कक्षा में करेगा प्रवेश, अब आएगी अग्नि परीक्षा की कड़ी। भारतीय वैज्ञानिकों की अग्नि परीक्षा की कड़ी आ चुकी है। भारत का चंद्रयान 2 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने जा रहा है अगले वीक। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 मंगल की चंद्र कक्षा में अगले वीक प्रवेश करने जा रहा है। जी हाँ, राजनाथ सिंह के बाद मोदी के एक और मंत्री जितेंद्र का सबसे बड़ा बयान, पीओ के भारत में शामिल होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जितेंद्र सिंह ने सबसे बड़ी बात की है कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को या पीओके को भारत में शामिल होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जी हाँ, अगली सबसे बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे पे जो है साधा मोदी सरकार पे निशाना, कश्मीर में मानव अधिकारों का जबरदस्त उल्लंघन हुआ। ममता बनर्जी का मोदी सरकार की तरफ निशाना कि कश्मीर के अंदर जबरदस्त जो है अधिकारों का उल्लंघन हुआ। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह की बैठक
डोवाल सहित कई शीर्ष अधिकारी मौजूद। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से अमित शाह ने सबसे बड़ी बैठक की है। डोवाल सहित कई बड़े अधिकारी रहेंगे बैठक के अंदर मौजूद। जी हाँ, प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर जो निशाना साधा है, देश की बेरोजगारी को लेकर, देश के अंदर रोजगार को लेकर और जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार की घोर चुप्पी हो सकती है खतरनाक। जी हाँ, अगली सबसे बड़ी खबर, हिमाचल में 17 साल में ऐसी बारिश, 1,065% ज्यादा पानी बरसा। आपको बता देगी हिमाचल प्रदेश के अंदर जलमग्न हो चुका है। बारिश के हालात से हिमाचल प्रदेश की स्थिति काफी गंभीर है। हिमाचल में 70 साल में ऐसी बारिश पहले कभी नहीं अंकित की गई। जी हाँ, आपको बता देगी हीरो इलेक्ट्रिक बाइक ने, हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा ईयर और निक्सा ईयर इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है लॉन्च किया, दो नए वेरियंट लॉन्च किए जिनकी शुरुआती कीमत 68,721 रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, देश की अगली सबसे बड़ी खबर, भारत में 21 अगस्त को मारुति एक्सेल 6 होगी लॉन्च और इसके इंजन के वेरियंट के बारे में जो है काफी जबरदस्त फीचर के साथ जो है काफी कीमतों से 8 लाख से लेकर 10,000 रुपए की कीमत से और आप 11,000 रुपए की डाउन पेमेंट से भी मारुति एक्सेल 6 को जो है खरीद सकते हैं और इसके बुक कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये मारुति की सबसे बेस्ट कार बनने जा रही है। जी हाँ, आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज किसी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।